जन्मों के साथी हम साथ साथ है, जन्मों के साथी हम साथ साथ है। ये देखिए मेट्रो मुंबई के बूम माइक से बोलने की नन्ही कोशिश। इनका नाम विकास है लेकिन विकास से इनका कोई नाता नहीं। ये जनाब मलाड हाईवे पर पुल के नीचे अपने परिवार के साथ रहते हैं। विकास अभी इतने छोटे हैं कि वे अभी बोल भी नहीं सकते, लेकिन अगर ये बोल सकता तो पूछता जरूर आखिर मेरा गुनाह क्या है, मेरे हिस्से का दूध किधर है और लॉकडाउन में दूध के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों? अब देखिए इन जनाब को, ये गोरेगांव में ओबरॉय मॉल के करीब पुल के नीचे रहते हैं। इन्हें भी कुछ बोलना है। मेट्रो मुंबई के बूम को ध्यान से देखने के बाद अचानक इनका मन उसे खाने का हुआ, लेकिन अचानक मेट्रो मुंबई के दूध के पाउच को देखकर इन्होंने अपना इरादा बदल दिया। मेट्रो मुंबई के मिशन मिल्क का दूध पाने की खुशी भले ही यह मासूम ना समझ पाए, लेकिन उनकी मां के चेहरे से दूध पाने की खुशी साफ झलकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे काफी खुश है दूध लेके। ये मेट्रो मुंबई की मिल्क मिशन है, देखिए यहाँ पर कामयाब होती दिख रही है, बच्चों के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है। आप देख सकते हैं बच्चे कितना खुश है वो दूध के पैकेट के साथ। जब से मेट्रो मुंबई का मिशन मिल्क शुरू हुआ है, बेघर बच्चे खुश है, घर वाले बच्चों के दूध को लेकर निश्चिंत भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अभी फिलहाल जितने भी कैरेट है हमने सब लोगों को यहाँ पे बांटा है। यहाँ पे काफी लोग हमें मिले हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ 4 पैकेट बचे हैं। हम एक एक बच्चे को ढूंढ ढूंढ के उनकी पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मेट्रो मुंबई की टीम रोजाना शाम गरीब बच्चों में दूध बांटकर खुश है, तो बच्चे भी मेट्रो मुंबई की गाड़ी देखते ही खुशी से झूम उठते हैं। अब दूध पीते गरीब बच्चों के साथ मेट्रो मुंबई का हाथ बढ़ चुका है। मेट्रो मुंबई के एसोसिएट डायरेक्टर निखिल मोरसावाला के मुताबिक लॉकडाउन के हालात सुधरने तक हम गरीब बच्चों के साथ है, उनके दूध की जरूरत को पूरा करेंगे। मेट्रो मुंबई के लिए प्रीति विश्वकर्मा के साथ स्वाति द्विवेदी की रिपोर्ट।